हाय प्रिंस, हाँ बेबी, मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। व्हाट इज हियर, क्या सोची है आपने? कभी ये सोचा है कि मुझे अपने काम पर प्राउड है? जो आप जीवन के अंदर अपना काम करते हो, उस काम के अंदर आपको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और उस काम के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए, सभी दूसरा रिजल्ट मिलता है। मेरा कहने का मतलब यह है, छोटा सा एग्जांपल ध्यान से समझना। यदि आप जीवन में बहुत बड़ा बिजनेस करते हो, ये जिंदगी में आप कोई एजुकेशन लाइन की तैयारी करते हो, मान लीजिए आपका ड्रीम एक आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मान लीजिए आप एक करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, या आपको एक बहुत बड़ा नाम कमाना है, इसी के ऊपर हम बात को लेकर बहुत बड़ी बनाते हैं। जो भी दुनिया के अंदर आप काम करते हो, पहले उस काम के अंदर अपने आपको मिटाना पड़ता है और मिटाने का टैटिक आपका टैलेंट होगा, आपकी क्वालिटी होगी और आपके वर्च्यू और आपकी कैपेसिटी वो होगी जो भी आप जीवन में काम करते हो। दुनिया के अंदर दुनिया भर के काम होते हैं, कामों की कोई डिटेल्स नहीं होती, लेकिन काम करने के टैटिक एक क्वालिटी अब एबिलिटीज वो सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्या आप सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना है? क्या आपने कभी डिसाइड किया है अपने विजन के साथ में? जिंदगी में जो काम करते हो उसमें अपने आप को प्राउड करो। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपने इस दुनिया के अंदर गेहूं का दाना देखा है? गेहूं का दाना जब इस दुनिया में से अपने आप को मिटाता है तभी उसमें से आटा निकल के आता है। मेरा कहने का मतलब जो आपका बिजनेस है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें अपने आप को मिटाना होगा तभी उसमें से दूसरा रूप निकल के आएगा। मान लीजिए आपने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, गेहूं का दाना अपने आपको अपने वस को खत्म करता है तभी उसमें से आटा निकल के आता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा, क्या आपने सरसों का दाना निकाला? क्या सोयाबीन का दाना देखा है? क्या आपने मूंग का दाना देखा है? या आपने तिल्ली का दाना देखा है जो अपने बस को अपने आप को मिटाता है तभी उसमें से तेल निकल के आता है? क्या आपने मेहंदी देखी है? मेहंदी जब अपने आप को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है तभी उसमें से रंग निकल के आता है। क्या आपने गंदा देखा है? गंदा अपने आप को खत्म कर देता है, मिटा देता है, फिनिश करता है तभी उसमें से रस निकल के आता है। ऐसे ही आपकी जिंदगी के अंदर आपका कैरियर, बिजनेस, आपकी लाइफ के सपने और ड्रीम हो सकते हैं। सपने की छोटी सी डेफिनेशन मैंने बनाई थी, आई थिंक मैं कहना चाहूंगा सपने हर इंसान की लाइफ में बड़े बड़े होते हैं। यदि सपना आज एक पूरा हो जाए, दूसरा स्टार्ट हो जाए, दूसरा कंप्लीट हो, तीसरा, सपने जिंदगी में रात और लगातार चलते रहते हैं। कहना चाहूंगा कि जिंदगी में यदि कुछ करना है, बाहर मस्तिष्क केवल दोषों से, उद्देश्यों से भरा होता है, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। अपने माइंड को सही डायरेक्शन में यूज करो, अपने टैलेंट और क्वालिटी को सही फ्लेक्सिबल तरीके से यूज करो। यदि आप बहुत ऊंचाई से करना चाहते हो, व्हाट इज क्वालिटी, डिपेंड ऑन सेल्फ राइट नाउ, बिकॉज एट हार्ड वर्क इन दिस एक्टर कोई सा भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको उस काम के अंदर लगन है तो आप श्योर सक्सेस होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं हो सकती है, सिर्फ आप खुद ही हार सकती हो। जिस दिन आपने अपनी सोच को बहुत बड़ा बना लिया तो उस दिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने जो भी वर्क है, वर्क है, कार्य है, काम, उसके अंदर आपको मिटाना होगा, उसके अंदर लगन, एक अनलिमिटेड लगन आपको होगी तभी आप उस चीज में पा सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बात को बहुत गहरे से उसके बाद आगे लेके चलते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक मकान कुछ लोग बना रहे थे, जैसा कि आवश्यकता पहले की थोड़ और नया थोड़ क्रिएट करना चाहता था, एक मकान को बना रहे थे तो उसमें चार पांच लोग लगे हुए थे। उन सभी से मैंने किशन पुट अप किया, आप क्या कर रहे हो? एक ने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं अपनी रोज ही कमा रहा हूं, जोर पड़ा हुआ हूं, जवाब देते हुए भारी पड़ा। दूसरे ने कहा, मैं ईट सुन रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं। तीसरे से कहा, मैं ईट और पत्थरों को ढो रहा हूं। तीसरे ने कहा, आप क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा, मैं अपने सारी जो भी जो उनकी टीम है उनके लिए कुछ ना कुछ एक नया सिखा रहा हूं। मैं बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बना रहा हूं, एक इमारत बना रहा हूं, बहुत शानदार, एक मेरी सोच का डिफरेंट नहीं है। कहने का मतलब
तीनों लोगों को अलग अलग कौन से जोर बना कर काम करते हो, लेकिन एक बंदे की सोचते कि मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूं, ये बिल्डिंग एक दिन दिन एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। कहने का मतलब है कि अपना जो विचार या आइडिया उनको बहुत पावरफुल बनाओ। यदि आप बहुत ऊंचाई से जाना चाहते हो तो अपने काम के अंदर प्राउड कर महसूस करो, लगन होनी चाहिए और उस काम के प्रति अपने आप को मिटा दो, तभी उस काम का रिजल्ट शो होगा आपको। जिस दिन आपने अपने काम के अंदर मिटा दिया उस दिन ये समझो कि रिजल्ट आपके पीछे होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। कहेंगे उसने नाम रोशन कर दिया, उसके अंदर वो ताकत थी। लेकिन ये होता कब है, जब हमें अपना पर अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस इतना ताकतवर हो जिसकी कोई दुनिया के अंदर डेफिनेशन ना हो। कहने का मतलब ये कि जो भी दुनिया भी आप काम करते हो, कोई भी आपका कहानी हो सकता है, एनी डिपेंड ऑन चार्ज, कोई भी काम हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन उस कार्य के अंदर आपको बहुत ज्यादा लगन होनी चाहिए और उस कार्य के प्रति आपकी अनलिमिटेड ऊर्जा एक्साइटेड होनी चाहिए।